इन दिस सेक्शन आई विल भी टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन होता क्या है इकनॉमिक्स के अंदर हम अक्सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते हैं शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होती है जिसमें आप काफ़ी सारे फैक्टर्स को होल्ड करते हैं कॉन्स्टेंट और कुछ फैक्टर्स को आप कंसिडर करते हैं एज वेरिएबल और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को हम बोलते हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन इज़ अ लॉन्गर टाइम पीरियड जिसमें हम तमाम फैक्टर्स जो हैं जो कि हमारे सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उनको हम एज्यूम करते हैं कि वो उनमें से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है वो सारे के सारे वेरिएबल हैं तो उस टाइम पीरियड को हम लॉन्ग रन बोलते हैं तो एक्सचेंज रेट की बिहेवियर शॉर्ट रन में और तरह की होती है लॉन्ग रन में और तरह की होती है शॉर्ट रन में अगैन आपको पता है कि हुकूमत ने लॉक किया होता है समटाइम्स एक्सचेंज रेट को उसको पैक कर देते हैं उसको जानबूझ के डीवैल्यू कर देते हैं ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो जाएं तो इस तरह के पॉलिसीज कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अमल में लेकर आई जाती हैं तो हम उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए बोलते हैं हम शॉर्ट रन एनालिसिस करें एक्सचेंज रेट शॉर्ट रन में कैसे डिटर्मिन होंगे उसमें हुकूमत इंटरवीन करती है लेकिन ज़्यादातर जो रेट्स की डिटर्मिनेशन होती है वो प्राइस डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से हो रही होती है लॉन्ग रन में सिंस वी आर डीलिंग विद अ सिचुएशन इन विच नन ऑफ द फैक्टर्स इज बींग होल्ड कॉन्स्टेंट इसलिए ये वाली जो चीज़ है दिस इज दिस इज अबिट मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स और ये ज़्यादा वजाहत तलब है तो इसमें हम लॉन्ग रन को जब हम एक्सचेंज रेट को लॉन्ग रन में डिटर्मिन करने के लिए एनालाइज करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ वन प्राइस Uh, वो um, वो अक्सर देखा जाता है सो लॉ ऑफ वन प्राइस होती क्या है लॉ ऑफ़ वन प्राइस कहती है कि चूंकि लॉन्ग रन के अंदर तमाम फैक्टर्स कंट्रोल नहीं होते रोक के नहीं रखे जाते कांस्टेंट नहीं होते लिहाजा इट हैज़ बीन ऑब्जर्व के बिकॉज ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्शन इवेंचुअली जो आपका एक्सचेंज रेट है वो कन्वर्ट करता है एक सर्टन पॉइंट के ऊपर एंड दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ वन प्राइस आई एम गो टू एक्सप्लेन इट फर्दर लॉ वन प्राइस कहती है कि आपके जो भी आइडेंटिकल एसेट्स हैं या कोई भी कमोडिटी है आप अगर फ्री फोर्सेस हों डिमांड एंड सप्लाई के कोई स्टेट इंटरवेंशन नहीं है कोई पॉलिसीज नहीं है कोई एम्बार्गोज और इस तरह की कोई चीजें ना हों तो रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन आप उसकी जो सेम प्राइस होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड उस पर्टिकुलर कमोडिटी की या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की या फाइनेंशियल एसेट किया हम जैसे एक्सचेंज रेट की बात करें तो जो एक्सचेंज रेट होगा या करेंसी का वैल्यू होगा इट विल बी वन इन द लॉन्ग रन अक्रॉस द ग्लोब इफ़ वी आर कंसिडरिंग कि ऑल द थिंग्स आर फ्रीली मूविंग एंड देर आर नो रेगुलेशंस तो अभी जो इवेंचुअली ए की प्राइस मेंटेन होगी किसी भी एसेट की या कमोडिटी की दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ वन प्राइस नाउ वेन वी लुक एट द वर्ल्ड, डू यू सी एनी सच थिंग कोई भी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है कोई एक भी कमोडिटी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कोई स्टॉक या कोई फॉरन uh, एक्सचेंज की आप टाइप ले लें डॉलर ले लें ले, पाउंड ले लें जिसकी पूरे दुनिया में एक ही कीमत हो ऐसा हो नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि लॉ ऑफ वन प्राइस को एक्चुअली हैपन होने से रोक देते हैं या लिमिटेशंस लगा देते हैं कि वन प्राइस हो नहीं पाती तो दे फॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो कि वायलेट करते हैं लॉ ऑफ वन प्राइस को तो उसमें सबसे अहम एलिमेंट जो है दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब आपको पता है कि कोई भी कमोडिटी अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जिसके पास ही ऐसे के खेत हैं जहाँ वो पर्टिकुलर कमोडिटी ग्रो होती है तो आपका घर चुके करीब है उस ग्रोइंग प्लेस से जहाँ वो ग्रो की है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी तो हो सकता है आपको आपके घर तक पहुँच पहुँचने में उसके ऊपर आठ रुपए की कॉस्ट लगे बारह रुपए की वो खुद थी और अभी जो आपको कीमत अदा करनी पड़ी है वो बीस रुपए ए यूनिट का है लेकिन अगर आपने इस जगह से उसी चीज़ को उठाकर किसी और शहर किसी और सूबे या किसी और मल लेकर जाना है तो नेचुरली उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आडा होता चला जाएगा जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आडा होता जाएगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो चीज़ जो कि आपने एक यूनिट बारह रुप, बीस रुपए का खरीदा था अपने घर में आई हुई चीज़ का या बायर वेंडर आया था वही चीज़ आपको दूसरे शहर में जाकर या दूसरे सूबे में जाकर भी बीस रुपए की ही मिलेगी तो जो लॉ वन प्राइस को वायलेट करती है फैक्टर्स उनमें सबसे एक अहम फैक्टर जो है दैट इज़ द डिफरेंस इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जितना खेत से या मैनुफैक्चरिंग प्लेस से या कारखाने से दूर जगह होगी मार्केट में जहाँ वो बिक रही है चीज़ या आपके घर तक पहुँचने में उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट एडअप होती जाएगी और उसकी कीमत फ़र्क होती जाएगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ट्रांजेक्शन कास्ट ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं है ट्रांजेक्शन कास्ट में हम उन तमाम तरह की खर्चों को अकाउंट फॉर करते हैं जो कि आप तक उस चीज को पहुंचाने में इस्तेमाल हुई है और इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो आपने किराया खर्च किया है वो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में डाला था ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम बेच रहे हैं बिस्किट्स या कोई भी और कमोडिटी राइट right? उस पर्टिकुलर या गोल्ड का बिजनेस करें उस गोल्ड को खरीदने खरीदार तक पहुंचाने के लिए उसकी सिक्योरिटी के ऊपर उसकी जो मार्केटिंग के ऊपर उसके ओवरऑल जो आपने कोई आपने जो बंदे रखे हैं जो कि उसकी सेल्स और प्रमोशन के ऊपर काम करते हैं उन तमाम लोगों के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं आप उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर थिंग टुगेदर विल बी नोन एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्टेक्सट में यहाँ पे हम लेते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट को वो तमाम पेमेंट्स जो कि आपने बैंक्स को या ब्रोकर्स को उनका रोल परफॉर्म करने के लिए जो सर्विसेज उन्होंने रेंडर किए हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए उन तमाम सर्विसेज के अगेंस्ट जो आप उनको कमीशन या फी चार्ज करेंगे देंगे वो आपसे चार्ज करेंगे दे विल बी अकाउंटेड फॉर एज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम नहीं होते ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज डिफरेंट सो अभी इट मे इंक्लूड द एजेंट्स कमीशन क्लोजिंग कॉस्ट टाइटल सर्च फीस अप्रेजल फ़ीस गवर्नमेंट के जो भी आपने ख़र्चे देने हैं रेवेन्यू की स्टैम्प्स लगनी है इस तरह का जो भी आपका एडिशनल ख़र्च आएगा टैक्स लग गई हुकूमत की तरफ से जिसको हम ऑक्टोराय महसूल ये तमाम चीज़ें जो आपने दी होती हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट में अकाउंट फॉर होती हैं और चूँकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट फर्क होती है एक जगह से दूसरी जगह से तो अभी वहाँ लॉ ऑफ वन प्राइस वायलेट हो जाएगा एक कीमत नहीं रहेगी किसी भी एक कमोडिटी की या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एंड नदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द लीगल रिस्ट्रिक्शंस तो समटाइम्स हुकूमतें अपनी लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल करती हैं टेरिफ्स लगा के कोटाज लगा के या कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा के अब जब आपने टैरिफ पे किया है टैक्स पे किया है फॉर एग्जाम्पल आपने चाइना की कोई चीज़ें इंपोर्ट की चाइना से और पाकिस्तान में लाकर बेची हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके ऊपर सपोज कोई टैरिफ लगाया हुआ था कि अगर आप इम्पोर्ट करोगे आपको ये एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी अब आपने हर यूनिट के ऊपर अगर छह रुपए टेरफ दिया है तो वो उसकी कॉस्ट में एड आप हो जाएगा तो फिर लॉ ऑफ वन प्राइस वायलेट हो जाएगी तो इस तरह से हम बहुत से कैपिटल कंट्रोल्स देखते हैं वहां पे आ, इमिग्रेशन के रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड के बार्गोज लगे होते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके ऊपर लाइसेंस लेना पड़ता है आपको एक्सपोर्ट करने का वो लाइसेंस की फीस होती है वो तमाम चीजें जो हैं आपके फर्क डाल देंगी प्राइसेस के अंदर और आपका लॉ ऑफ वन प्राइस नहीं काम करेगा अदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मार्केट के, के अंदर कितने आप कितने बायर्स और सेलर्स हैं जो सेलर है उसके पास कितना मार्केट पावर है अगर उस के पास मोनोपली है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए तो ऑब्वियसली वो उसके पास को, कोई कंपेटिटर नहीं है उसका तो वो अपने दिल की पसंदीदा हाई प्राइस चार्ज करेगा और अगर आप कोई भी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि जिस मुल्क से वो चीज़ को आपने ए, मंगवाया है उस मुल्क में वो कीमत उस पर्टिकुलर चीज़ की कीमत काफ़ी सस्ती थी जिसकी वजह से आपने मंगवाया है लेकिन चूंकि इस पर्टिकुलर मुल्क में आप अकेले डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी के तो आप फिर क्या करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को काउंटफॉर करके देखेंगे मेरे पास तो मैं तो अकेला सोल इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इसलिए आप उसकी कीमत काफ़ी हाई कर देंगे तो ऐसा करने से भी प्राइस डिफरेंशियल आ जाएंगी और लॉ ऑफ वन प्राइस वायलेट हो जाएगा तो अगर प्रॉफिट कंपटीशन होता है तो हम सबको पता है ढेर सारा कंपटीशन होगा तो प्राइसेस लो होती हैं अगर ज़्यादा इम परफेक्शन ज्यादाती मार्केट में जैसे कि मनोपली है जैसे कि ऑलीगोपली है तो वहाँ पे जो सेलर है उसके पास ताकत ज़्यादा होती है लिहाजा वो अपनी मनपसंद कीमत चार्ज करता है हायर प्राइस और सप्लाई को भी वो कंट्रोल कर देता है तो ताकि उसका जो हाई प्राइस वाली जो चीज़ को वो मेनटेन कर सके हाई प्रॉफिट्स को मेनटेन कर सके तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो प्राइस हैं वो फ़र्क हो जाती हैं फ्रॉम प्लेसिस टू प्लेसिस एंड लॉ ऑफ वन प्राइस डज नॉट ऑपरेट तो एन इंपोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू लुक एट इज समाइम्स किसी एक सेलर के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं उसकी वजह से भी आपके जो प्राइसेज हैं उनमें फर्क आ जाता है और लॉ ऑफ वन प्राइस हमें एग्जीक्यूट होता हुआ अपनी आंखों से देखने को नहीं मिलता किसी भी जगह पे इन द वर्ल्ड